भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 2022 में 8.2% की दर के साथ हम दुनिया में सबसे स्पीड से ग्रोथ करने वाले देश बनकर, और भारत को उद्योग का उत्पादन का हब बनाने की जो नीति है, ये दोनों के सामंजस्य से आज हमारा देश कोरोना काल के बाद भी दुनिया भर की देश मंदी का सामना कर रहे हैं। हमारे यहां मंदी है, महंगाई भी है, मगर दुनिया की कंपैरिजन में अगर देखें तो बहुत बचे हुए हैं। इसका कारण ये नीति निर्धारण जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने नई ड्रोन नीति बनाई, नई स्वास्थ्य नीति बनाई, कॉमर्शियल कोल माइनिंग की नीति बनाई, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई, मेक इन इंडिया की पॉलिसी लेकर आए, स्किल इंडिया की पॉलिसी लेकर आए जिसने मैन पावर पूरा किया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव तक कनेक्टिविटी को पहुंचाने का काम किया, उड़ान के माध्यम से एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रयास किया, ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से इसके साथ साथ पर्यावरण की इको सिस्टम का भी संरक्षण करने का काम किया। जीएसटी आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही, इतने बड़े विविधता वाले देश में जीएसटी ऐसे कैसे सरलता से लागू हो गए। और इस सब का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है मित्रों, आज भारत में बेबाक तरीके से कह सकता हूं, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 2022 में 8.2% की दर के साथ हम दुनिया में सबसे स्पीड से ग्रोथ करने वाले देश बनकर, अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह, राहुल बाबा मुझे हर रोज याद आते हैं जितनी बार जीएसटी का नाम सुनता हूं। गब्बर सिंह टैक्स करते थे, वो गब्बर सिंह को मालूम नहीं है जीएसटी का कलेक्शन 1.62 लाख करोड़ को पार कर गया है। और इतनी स्मूथ, अच्छा बिजनेस करने वालों के लिए इतना स्मूथ एटमोस्फियर यहां पर हुआ है। निर्यात रिकॉर्ड निर्यात, आजादी में अब तक कभी भी निर्यात नहीं हुआ इतना, 2022 में 421 बिलियन डॉलर का निर्यात हमने किया है और उसमें 254 बिलियन डॉलर सेवा का निर्यात है। मित्रों, ये भारत के आकांक्षी युवाओं का, उद्यम का परिचायक, सबसे ज्यादा एफडीआई 2022 में आजादी के बाद 83 बिलियन डॉलर यहां पर आया है। मित्रों, और 8.2% ग्रोथ रेट जब मैं कहता हूं तो उसको अकेले आइसोलेशन में देखो को देखेंगे तो ठीक है भाई, 8.2% हो गया, 10 से तो कमी है, मगर वही कालखंड में यूएसए में 3.7%, जर्मनी का 2.1%, चीन का 4.4% और ब्राजील का 0.8%, और उस वक्त भारत का 8.8% है। मैं कंपेरेटिव इसलिए रखता हूं कि हमारे देश में वक्र दृष्टाओं की कमी नहीं है। मैं कहूंगा कि 8.2% है तो जो वक्र देखने की आदत वाले के भी 10 से तो कमी है ना भैया, आप जब थे तब क्या था, मैं उनको याद कराना नहीं चाहता। महंगाई को भी हमने दुनिया के कंपैरिजन में बहुत कंट्रोल कर रखा है। हम लंका की घटनाओं को देख रहे हैं, पाकिस्तान, हमारे आसपास के सभी पड़ोसी देश, इवन अमेरिका, जो महंगाई की स्थिति है उसको हम देख रहे हैं। एफडीआई भी बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में 142वें नंबर पर हम तालिका में थे, आज 63वें नंबर पर हैं। तो पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत के अंदर रिफॉर्म हो रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने स्टार्टअप की शुरुआत की, 2014 में रैंकिंग थी ही नहीं, स्टार्टअप थे ही नहीं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं थे। आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, ये भारत के युवाओं की जो क्षमताएं है इसका परिचायक है।